पत्थर अंतरिक्ष से बड़ा सा पत्थर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, पर जैसे जैसे वो आगे की ओर बैठ रहा है तो उसकी साइज भी छोटी होती जा रही है और वो पत्थर लिबर्टी आइलैंड के किनारे पर गिरती है। थोड़े वक्त बाद उससे एक सफेद सूट पहना व्यक्ति बाहर आता है। उसका चलने का अंदाज बड़ा जबरदस्त होता है। सिटी में आने के बाद सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रूट क्रॉस करते ही उसे एक कार जोरदार सा टक्कर मार देती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता, पर उसका एक पैर मुड़ जाता है। कार की मालकिन उसे बचाने आती पर वो गायब हो जाता है, जिसके बाद वो वीरान जगह पर जाकर खड़ा हो गया। फिर उसका कान दरवाजे की तरह ओपन होता है, जिसमें से दो छोटे छोटे व्यक्ति धागे की सहायता से नीचे आता है। वो व्यक्ति पैर में लगे बटन को दबाता है, जिससे वहां पर का दरवाजा खुल जाता और वहां वायर ही वायर होते हैं। वास्तव में यह कोई आदमी नहीं बल्कि छोटे छोटे एलियंस का रोबोटिक स्पेसशिप होता है। स्पेसशिप के कैप्टन की तरह ही रोबोट को डिजाइन किया गया था, और रोबोट को कंट्रोल करने के लिए हर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई बैठा होता है और उन सभी को उनका कैप्टन चला रहा है, मानो रोबोट के अंदर पूरा का पूरा लैब बना हो। तभी एक कार्यकर्ता का मैसेज आता है कि स्पेसशिप को ठीक होने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे।